हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे इस NSM किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू का ऐसा डिश जो आपने कभी नहीं खाया होगा, वो भी दो ही चीज़ों से। ये देखिए, आलू और कॉर्नफ्लावर से बना हुआ हमारा आलू चीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ है तो आलू कचौरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 300 ग्राम आलू, इसको मैं अच्छा से धो करके छील दिया है। देखिए, मैंने 5 आलू लिया है, कम से कम 300 ग्राम के करीब है, तो इसको जो है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा। ये देखिए, इसी तरह से सारे आलू को, और मैंने दूसरे साइड में रख दिया पानी को गर्म करने। तो ये देखिए, पानी में इसको बॉईल कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, जिस सब्जी गलाता है उस टाइप से नहीं। आपने जैसे आलू में कांटे मारना है, और कांटे मारने से आराम से दब जाता है, तो समझिए कि वो पक चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। देखिए इस तरह से, फिर इसको जो है हमने एक आलू मैश की मदद से जो है इसको आलू को मैश कर देना है अच्छी तरह से। उसमें दाना नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो आप छन्नी में लेकर उसको अच्छा से रगड़ रगड़ के छान भी सकते हैं स्टील के छन्नी में। तो ये देखिए इस तरह से, तो मैं इसको एक बाउल में ले लूँगा, और मैंने इसमें लिया है 1/2 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार लें। और यहाँ पर लिया मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और लिया है मैंने यहाँ पे 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर। तो इसको अच्छा से मिलाकर, जैसे हम आटे को गूंथते हैं उस तरह से इसको गूंथ लीजिए आप। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा थोड़ा चिपकता हाथ में, तो आप तेल ले सकते हैं, तेल की मदद से आप चिपकेगा नहीं। तो इसको अच्छा से मिलाएंगे, जिस तरह से आटे को मिलाते उस तरह से, थोड़ा सा टाइट होता है ये, टाइट रखिएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिया है व्हाइट चीज़ स्लाइस, फिर इसको जो है आलू में जो है इस तरह से गड्ढे करके उसमें चीज़ भर देंगे, तो एक तरह से चीज़ बॉल की तरह भी हो जाएगा, पर हमने इसमें ब्रेड क्रम लगाना नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से, फिर इसको दोबारा से गोल कर देंगे, तो थोड़ा सा दबा देंगे ताकि टिक्की के शेप में आ जाए। तो इसके ऊपर छुरी की मदद से हमने जो है हल्का सा डिज़ाइन बना लेना है, तो डिज़ाइन तो आप कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप में डिज़ाइन बन गया हमारा। तो इसी तरह आप सारे को बनाइए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पहले से आप सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने सारे को फ्राई कर दिया इसमें, तो ये बच्चों को जो है बहुत पसंद आया था, टमाटर सॉस के साथ बच्चों ने बहुत मज़े से खाया। ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है, बीच में व्हाइट, और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपने। तो मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।